हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके एसएससी उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो वैकेंसी निकाली गई है वेरियस पोस्ट के लिए, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, साथ में संघर्षकर्ता अमीन की वैकेंसी है, लेखपाल की वैकेंसी है, तो 746 टोटल पदों पर आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनवाइट किया गया है और आप इसमें 12 मार्च से 26/4/2020 तक आप आवेदन जो है कर सकते हैं। अब कैसे आवेदन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ओटीआर सिस्टम के बारे में। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ करना होगा और इसके लिए फ्रेंड्स यूकेएसएससी का जो ये ऑनलाइन पोर्टल है वो फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर देखिए, आपको लॉगिन करना है, जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है न्यू यूज़र का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका ओटीआर सिस्टम जो है चालू हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है एक्टिवेट करना है आपका यूज़र नेम, तो आप कोई भी यूज़र नेम यहाँ से बना सकते हैं और यदि वो अवेलेबल होगा तो आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो आप यहां पर फिल करेंगे और ये फिल करने के बाद आपको यहां पर फिल करना है आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और उसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपको दिया गया है, ये कैप्चा कोड फिल करके आप नीचे जनरेट ओटीपी करेंगे। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स एक ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जाएगी और वो जो ओटीपी जाएगी वो आपको यहाँ फिल करनी है और वो 5 मिनट तक आपकी वैलिड रहेगी। इसके बाद एक कैप्चा कोड आपको फिल करना है, आपकी जो भी डीओबी है वो फ्रेंड्स आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स पासवर्ड का ऑप्शन है, आपको यहाँ से एक पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड कैसा आप जनरेट करेंगे, इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आपको एक कैपिटल लेटर यूज़ करना ही होगा अपने पासवर्ड में, लोअर केस में आपको यूज़ करना है कुछ अल्फ़ाबेट्स को, साथ में आपको कुछ नंबर यूज़ करने हैं और कोई भी आप यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर जो देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से पासवर्ड आपको जनरेट करना है और पासवर्ड जनरेट करके उसको कन्फर्म करेंगे और यहाँ से क्रिएट यूज़र करेंगे। आपका जैसे ही यहाँ से यूज़र जो है क्रिएट हो जाएगा, इसके बाद फ्रेंड्स आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के लिए आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और जो ये कैप्चा कोड आपको दिया गया है, ये कैप्चा कोड फ्रेंड्स आप फिल करेंगे और इसके बाद इसको यहाँ से करेंगे आप लॉगिन। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपको जो ये फॉर्म फिल करना है ये 3 स्टेप में कंप्लीट करना है। पहला आपका प्रोफाइल क्रिएट करना है, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करनी है और फीस आपको पे करनी है। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्रिएट करेंगे प्रोफाइल को, तो प्रोफाइल क्रिएशन वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये प्रोफाइल क्रिएट सेक्शन है ये आपको 6 स्टेप में कंप्लीट करना है। सबसे पहले आधार कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है आप यस कर सकते हैं, आपका आधार कार्ड का नंबर और आपके आधार कार्ड पर जो आपका नाम अंकित है वो आप यहां पर फिल करेंगे। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है आप नो कर सकते हैं और यहां से कोई भी एक आईडी प्रूफ आप चूज कर सकते हैं और उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है या फिर उस आईडी का नंबर है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है, अगर आप आधार कार्ड करना चाहें तो आधार कार्ड कीजिए या फिर कोई भी अदर आईडी आप करना चाहें वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आपका बर्थ स्टेट, तो आप किस स्टेट के निवासी हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी तहसील और आपका जो विलेज या सिटी है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, आपका रेजिडेंटल एरिया प्लेन एरिया है या हिल एरिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर पहाड़ी क्षेत्र में आप रहते हैं तो हिल करेंगे, बाकी कैंडिडेट प्लेन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, आपका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है और यदि आपका डोमिसाइल उत्तराखंड का है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपको देना है, उसका सर्टिफिकेट नंबर, उसका इशू कहां से हुआ है और ये फ्रेंड्स कहां कब इशू हुआ है, ये आपको डिटेल देनी होगी। और आप पीएच कैंडिडेट हैं या नहीं है उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स आप इसमें भी नो कर देंगे यदि आप वहां के निवासी नहीं है। पर इसके बाद एक कंडीशन है कि आपने जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट है वो उत्तराखंड स्टेट से पास की है या नहीं की है, यदि की है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो कर सकते हैं। और उसके बाद आप जब अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, अगर आप एलिजिबल होंगे तो ही फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद मान लीजिए आपने वहाँ से ही इसको कंप्लीट किया है, तो आपने कहाँ से इसको कंप्लीट किया है, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट, वो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके स्कूल का नाम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट जिनके आर्मी या पैरामिलिट्री या सेंटर या स्टेट डिपार्टमेंट में है वो यस या नो कर सकते हैं। पीएच कैंडिडेट के लिए भी आपको यस या नो करना है। और नीचे फ्रेंड्स क्योंकि अदर स्टेट आपने सेलेक्ट किया है आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिक जनरल आपकी यहाँ रहेगी। यदि बर्थ स्टेट फ्रेंड्स आपका वहीं रहता है या फिर आपका डोमिसाइल जो है उत्तराखंड ही रहता है तो ही आपको यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलेंगे एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के, और उसके रिलेटेड आपको जो सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी है और इसको सेव करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो भी डिटेल आप यहाँ फिल करते हैं उसके बेस पे ही फ्रेंड्स जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म ये आप एप्लीकेबल है या नहीं है एलिजिबल है या नहीं है वो आपको पता लग जाएगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस सेक्शन को कंप्लीट करके सेव कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है ये आपके एड्रेस सेक्शन है, तो आपका जो भी एड्रेस है वो फ्रेंड्स आप इस सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई स्पेशल चीज़ यहाँ बताने की नहीं है, आपका जो भी स्टेट है आपका डिस्ट्रिक्ट है तहसील है विलेज है पिन कोड है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जो भी अपना एड्रेस लिखते हैं सेव कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। सेव करना ज़रूरी है, सेव करने के बाद ही आप इसको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। थर्ड ऑप्शन जो है फ्रेंड्स ये आपके अदर डिटेल का है, तो यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉयड हैं पहले से ही तो आप यस या नो कर सकते हैं। यदि आपका फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस उत्तराखंड स्टेट में अगर आपका नाम रजिस्टर है तो आप यस कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर की डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है आप नो भी कर सकते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करके आपकी सर्विस का पीरियड दे सकते हैं। यदि आप डिपेंडेंट हैं फ्रीडम फाइटर के तो यस करके उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और यदि फ्रेंड्स आपके पास एनएसएस या एनसीसी या टीए का सर्टिफिकेट है तो यस करके आप उनमें से भी कोई भी जानकारी यहां प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है आप इनमें से किसमें एलिजिबल है। और ब्लैक लिस्ट या डिक्लेरेशन वाले सेक्शन में आप नो ही रहने दें, और नीचे आपको सेक्शन मिलेगा प्लेस ऑफ रेजिडेंस का, तो यहां पर आप रूरल या अर्बन, रूरल मतलब ग्रामीण अर्बन मतलब शहरी, किस क्षेत्र में आप रहते हैं, आपने जो 10th क्लास की है वो कहां से की है, आपके टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट क्या था, फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर की क्वालिफिकेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, ये आपको यहां पर देना है। आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं कोचिंग या सेल्फ स्टडी, और आपके परिवार की एनुअल इनकम कितनी है वो आप यहां पर दे सकते हैं। ये देना जरूरी है, बेसिक जानकारी है जो कि आपकी पर्सनल डिटेल है, ये आप यहां फिल करके इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट सेक्शन है ये है आपके क्वालिफिकेशन डिटेल का। तो देखिए आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करते हैं उसके लिए जो बेसिक आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो तो आपको कम से कम देनी होगी। यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है एसएससी या 10th से, तो सबसे पहले आप एसएससी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो डिग्री नेम है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सेलेक्ट करेंगे, स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आपने इसको कहाँ से पास किया है, आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, नहीं तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका रिजल्ट स्टेटस आप यहाँ बताएंगे, आपका कोर्स की ड्यूरेशन आप बताएंगे कितने महीने या साल का है, आपके डेट ऑफ रिजल्ट कब डिटेल जो है डिक्लेयर हुआ था रिजल्ट वो आप जानकारी देंगे, और आपका रिजल्ट टाइप क्या है, मार्क्स है तो आप मार्क्स सेलेक्ट करके यहाँ मार्क की एंट्री कर सकते हैं, सीजीपीए है या ग्रेड सिस्टम है जो भी है वो आप यहाँ सेलेक्ट करके उसकी एंट्री करेंगे, आपका डिवीजन यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस फ्रेंड्स जब आप ऐड कर देंगे उसके बाद फ्रेंड्स आपको 12th की डिटेल देनी है, जिसमें फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आपका डिग्री नेम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स आपने इनमें से किसमें किया है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज करनी है, तो आपके पास जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, आपको 3 सब्जेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। सेम आपका स्टेट कहाँ से आपने किया है, किस बोर्ड से किया है, रिजल्ट का स्टेटस क्या है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या है, रिजल्ट की रिजल्ट टाइप आपका क्या है, मार्क्स है सीजीपीए है ग्रेड सिस्टम है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स आप दोबारा से इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद फिर उसके बाद अगर आपके पास मान लीजिए कोई अदर हायर क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा है आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकते हैं, डिप्लोमा किसमें किया है वो आप यहाँ दे सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, तो एक सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करना जरूरी होगा। यदि मान लीजिए आपके पास कोई अदर डिग्री है जैसे आपके पास ग्रेजुएट है आप, तो आप ग्रेजुएट सेलेक्ट कर सकते हैं, अब ग्रेजुएशन में भी आपने क्या किया हुआ है इनमें से वो आप सेलेक्ट करेंगे, और आपकी जो मेजरली 3 सब्जेक्ट्स हैं उनको आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो सेम आपको यहाँ पर जो पहली सब्जेक्ट है वो आपका कंपलसरी है, किस स्टेट से आपने किया है, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, रिजल्ट स्टेटस आपका क्या है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, रिजल्ट कब आपका जारी हुआ है, और ये जो रिजल्ट टाइप है वो आप दे सकते हैं। अब ये जो नीचे ऑप्शन है नेम ऑफ द काउंसिल का, तो यहां पर देखिए अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी जो है क्वालिफिकेशन टाइप सेलेक्ट करते हैं जिसमें काउंसिल होता है, जैसे मान लीजिए आप लॉ कर रहे हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, आप अगर फार्मेसी कर रहे हैं तो आपका मेडिकल काउंसिल या फिर उसके अलावा जो भी फार्मेसी काउंसिल है उसमें
आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको काउंसिल दी गई है, यदि आपके वो एप्लीकेबल है कोई भी काउंसिल तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन डेट और डेट ऑफ रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। तो ये आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन सेक्शन रहेगा, जो जो आपके पास अवेलेबल है वो डिटेल आप यहाँ दे सकते हैं, नहीं है तो फ्रेंड्स वो आप यहाँ पर इसको रहने देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप दोबारा से इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन पर आप चल देंगे, जो कि इसका एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन सेक्शन है, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको नो रखा है और नो करने के बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पर मान लीजिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आप इसको यस करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और यस करने के बाद एक बॉक्स आपके सामने ओपन होगा और इसमें आप अगर प्रेजेंट में एम्प्लॉय है तो प्रेजेंट चूज़ कीजिए, पास्ट में है तो पास्ट चूज़ कीजिए, आपके इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपकी पोस्ट का नाम, एक्सपीरियंस का टाइप, और उसके अलावा कब से कब तक आपने वर्क किया है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। और ये आपके पास मल्टीपल कंपनीज में काम करने का एक्सपीरियंस है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो कर सकते हैं कोई एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो। और उसके बाद आप यहां से नेक्स्ट कर सकते हैं और सीधे अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाले सेक्शन पर जा सकते हैं। यहां पर फ्रेंड्स आपको बेसिकली आपके फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं और ये कैसे साइज में और किस तरह से आप यहां अपलोड करेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि फोटो है उसका साइज आपका 20 से 50 KB रहेगा, सिग्नेचर का साइज जो है और उसके अलावा थंब इंप्रेशन का जो साइज है वो 3 से 50 KB आपका रहेगा। JPG इमेज में आपको ये अपलोड करना है, कोई भी स्पेशल करेक्टर या स्पेस आप यूज ना करें इसके फाइल नेम में, और उसके बाद ही उसको यहाँ पर अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद आपका जो प्रोफाइल स्टेटस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार जैसे ही ये कंप्लीट होता है आप यहाँ से व्यू एंड प्रिंट प्रोफाइल भी अपना कर सकते हैं और उसके बाद इस ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट DEO वैकेंसी के लिए, तो हम यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई का सेक्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो ये फॉर्म है वो वहाँ पर ओपन हो जाएगा, आपको जो भी डिटेल आपने अभी OTR में भरी है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते वक्त वो सभी आपको डिटेल यहाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले आपके एग्जाम की लैंग्वेज चूज करनी है, आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं। आपको यहाँ एग्जाम सेंटर्स मिलेंगे, आप जो भी एग्जाम सेंटर यहाँ लेना चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद बस आपको नीचे आपका जो प्लेस का नाम है, मतलब आपने ये फॉर्म कहाँ से फिल कर रहे हैं इसकी जानकारी आपको फिल करनी है और यहाँ से आपको इसको करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको वैकेंसी के सामने पे नाउ का सेक्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पर अगर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नाउ करना होगा, मतलब आपकी जो फीस है वो आपको पे करनी होगी। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है HDFC बैंक का, आप इस पर पे पर क्लिक कर सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो, अगर आपके पास किसी अदर बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड भी है या फिर आप किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आप कर सकते हैं। उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है, मेक पेमेंट पर क्लिक करना है और आपके जो पेमेंट है उसको आप कन्फर्म कर लेंगे। एक बार जैसे ही पेमेंट आप कन्फर्म करते हैं उसके बाद आप इसका फाइनल प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो शॉर्ट में फ्रेंड्स मैंने आपको सभी डिटेल यहां पर बता दी है। UKSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं समूह गए के लिए। फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बाकी की जानकारी के लिए आप जा सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।